think they're ready to surrender? आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। भुलावाई एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। लेफ्टिनेंट गबाक सिंह दिलन, कैप्टन शाह नवाज खान, कैप्टन पी के सेगल, सेक्शन 41, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army, hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नु बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history.